डिब्बे जलकर राख हो गए। करीब 8 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान है। मधुमक्खी पालन करने वाले सारनपुर निवासी नौशाद ने अपने गांव में यहां पर ये तैयारी की थी, आग किसने लगाई है और इसके पीछे का मकसद क्या है, इन तमाम सवालों का जवाब अब पुलिस को खंगालना होगा। दोस्तों ये डब्बे ये जल के राख हो गए, ये डब्बे इनमें सब में मधुमक्खियां थी। मुझे यहाँ से फोन गया मेरे पास के आपके डब्बों में आग लग चुकी है यहाँ से जी, और इन्हें कैसे बुझाया जाए। तो फिर यहाँ से और आदमी गांव के भी आ गए थे, इधर ये गुगरोद गांव है, बगड़ राजपूत के भी, उगरोद गांव के भी, वहाँ से भी आ गए थे। फिर उन्होंने इसमें पानी चला के बेचारों ने मेहनत करी बुझाई। मैं बगड़ राजपूत के, ये भूमि गोचर भूमि कहलाती है और यहाँ पे बहुत से लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इस जमीन पे कुछ मधुमक्खी के डब्बे भी रखे हुए थे, इनमें गांव के ही कुछ लोगों ने आग लगा दी और कम से कम 70 और के और 100 के आसपास डब्बे जल के यहां राख हो गए। अजमेर पुष्कर रोड के नाग पहाड़ पर सूखी झाड़ियों में भीषण आग लग गई। कुछ ही देर में आग पूरे नाग पहाड़ पर फैल गई, करीब 100 बीघा से ज्यादा इलाके तक आग फैली। इसकी वजह से कई जीव जंतु, सांप, पशु पक्षी भी इसके चपेट में आ गए। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। 5 से 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पहाड़ पर आतिशबाजी के कारण आग लगने की आशंका इसमें जताई जा रही है। वन विभाग हालांकि अभी जांच में जुटा हुआ है। भीषण आग के वीडियो को लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया, तो वहीं ड्रोन कैमरे से भी आग की भयानक वीडियो सामने आई। बांसवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पानी में डूबने से युवक की मौत हो गई है। माही बैक वाटर में नहाने गए युवक का पैर फिसल गया, जिसकी वजह से यह हादसा उसके साथ हुआ, जानलेवा साबित हुआ। आंबापुरा थाना के लोधा जागीर गांव की घटना है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सौंप दिया गया है। दर्दनाक हादसा हुआ है, बांसवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। खबर यह है कि माही बैक वाटर में नहाने गए युवक का पैर फिसल गया था और ऐसे में ये हादसा जानलेवा साबित हुआ। करौली में गोली मारकर की गई पति और पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। दोनों का मर्डर युवक की मां ने अपने भाई के साथ मिलकर किया था। मां को अपने बेटे और बहू के अलग अलग जगह अवैध संबंध होने का शक था। दिल दहलाने वाली डबल मर्डर पर ये रिपोर्ट देखिए। ममता का मर्डर, सनसनीखेज खुलासा, बेटे और बहू पर कराया हमला, मां ने घोटा ममता का गला। बच्चे चाहे जितने नालायक हो पर माँ कभी कुमाता नहीं होती, बचपन से हम सुनते आए हैं। मगर करौली में हुए डबल मर्डर केस के खुलासे ने इन लाइनों को गलत साबित कर दिया है। बेटे और बहू कार से मंदिर दर्शन करने गए, जहां गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि खुद मृतक की माँ और मामा ने रची थी। सच जानकर पुलिस के भी पैरों तले से जमीन खिसक गई। घटना दिवाली से एक दिन पहले बुधवार की है। आगरा के अचनेरा गांव में रहने वाले विकास सिसोदिया अपनी पत्नी दीक्षा के साथ कैला देवी मंदिर के दर्शन करने निकले थे। विकास के मामा का कर्मचारी कार ड्राइव कर रहा था। दर्शन से लौटते समय रास्ते में ही कपल को गोली मार दी गई। बुधवार की सुबह दोनों का शव कार से बरामद किया गया। शुरुआती जांच में जब इस हत्याकांड की परतें खुली तो हर कोई हैरान रह गया। जो मृतक है विकास, उसकी माँ ललिता उर्फ लालो, उसका मेन षड्यंत्र बनाया था उसने। उसने अपने भाई जो मृतक का मामा लगता है रामबरन, जो इंतकी सैंपऊ का रहने वाला है, उसके साथ षड्यंत्र बनाया था। मेन उद्देश्य जो इनका था कि ये सामाजिक प्रेशर में जो विकास और दीक्षा है, जो मृतक और मृतका है, इन दोनों के अवैध संबंध थे। इसकी माँ को लगा उस अवैध संबंध की वजह से काफ़ी ज़्यादा दबाव आ जाएगा, अगर ये खुलासा हुआ तो हमारी समाज में इज्जत ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से इसने अपने भाई जो इसके काफ़ी क्लोज था, इसकी माँ के काफ़ी क्लोज था, जो इसका मामा लगता है, उसके साथ षड्यंत्र बनाया। मामा ने एक चिमन खान है जो उसके यहाँ मजदूरी करता है, ड्राइवरी का काम करता है, षड्यंत्र के तहत गाड़ी रोककर
और उसके बाद गाड़ी रोकने के बाद इन दोनों के ऊपर फायरिंग करके इनको खात्मा लगाया गया था। पुलिस के मुताबिक ललिता को बहू और बेटे पर शक था कि उनका किसी दूसरे से प्रेम प्रसंग चल रहा है। ऐसे में ललिता को लगा कि अगर यह बात सामने आई तो समाज में परिवार की बहुत बेइज्जती होगी। ऐसे में ललिता ने भाई रामबरण से मदद मांगी। दोनों पिछले दो महीने के बेटे बहू को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। इसके लिए रामबरण ने एक महीने पहले की कार और पिस्टल खरीदी थी और अपने विश्वासपात्र कर्मचारी चमन खान को कार लेकर विकास के पास भेजा और उन्हें मंदिर दर्शन करने के लिए चलने को कहा। विकास और दीक्षा फौरन राजी हो गए। मंदिर से लौटते समय चमन ने सुनसान सड़क देखकर गाड़ी रोकी और दोनों को गोली मार दी। उन्होंने कार को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की लेकिन उनकी कोशिश नाकाम साबित हो गई। मर्डर जो किया गया वो इसी किताब की सामाजिक तौर पे, क्योंकि लड़के का भी अलग संबंध था और लड़की का भी किसी और से संबंध था, दोनों के संबंध अलग अलग थे और इस बारे में घर वालों को पता था। सामाजिक तौर पे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल ना हो, समाज में उनका मान मर्यादा बनी रहे, इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा, जबकि ऐसा नहीं था। क्योंकि अगर वो आपस में बैठ के बात करते, दोनों परिवार रिश्तेदार वगैरह उनको समझाते बात करते तो शायद इस समस्या का समाधान हो सकता था। इसका जो समाधान ये नहीं था कि मर्डर तक पहुंच जाते, क्योंकि इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और भी धूमिल हुई है। मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया और आरोपी माँ मामा के साथ तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल तीनों पुलिस की गिरफ्त में है और उनसे पूछताछ की जा रही है। माँ को अपनी ममता के लिए जाना जाता है, लेकिन आगरा के किरावली के साथा गांव निवासी विकास और दीक्षा की हत्या के मामले में माँ ने अपनी पद प्रतिष्ठा और सामाजिक यश को बचाने के लिए ही अपने पुत्र और उसकी पत्नी की हत्या करा दी। मामले में उसकी माँ मामा और मामा के ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण स्तर खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। बड़ी तादाद में हुई आतिशबाजी की वजह से दिवाली के दूसरे दिन भी प्रदूषण खतरनाक लेवल पर है। स्मॉग की चादर नजर आ रही है। राजस्थान के भी कई शहरों में हवा की क्वालिटी बेहद खराब हो गई है। कई शहरों में AQI खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में AQI पहले ही खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। दीपावली के बाद हालात बद से बदतर हो गए। दिल्ली एनसीआर में AQI का स्तर 350 के पास है, यानी हवा पूरी तरह से जहरीली हो गई है। हालात को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में पहले से ही ग्रेप 2 लागू किया गया है। तो ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि दिवाली के बाद तो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में राजस्थान के कई शहरों का भी पहुंच चुका है। राजस्थान के कई ऐसे शहर हैं यहां पर भी धुंध की चादर सुबह सुबह देखने को मिली है। खासतौर पर बीकानेर में सबसे ज्यादा AQI दर्ज किया गया। भिवाड़ी में देखिए 298 और बीकानेर में AQI 347 दर्ज किया गया है। दम घोटू यह हवा। तिजारा में AQI 288। जाहिर तौर पर यह हवा जहरीली हो गई है। AQI में 263 चूरू में है। हनुमानगढ़ में AQI 208 दर्ज किया गया है। धौलपुर में भी AQI खराब श्रेणी में है 275 और वहीं श्रीगंगानगर में भी AQI 266 पहुंच गया है। जयपुर राजधानी पिंक सिटी की बात करें तो यहां पर AQI 244, वहीं टोंक में भी AQI 211 दर्ज किया गया। अजमेर में भी AQI 201 पहुंच गया है। सीकर में भी AQI 257 दर्ज किया गया। उधर झुंझुनू में AQI 264। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर जैसलमेर की बात करते हैं तो यहां पर 250 दर्ज किया गया है। पाली में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 263 और साथ ही जोधपुर में AQI 199 दर्ज किया गया है। कोटा में भी AQI 199 दर्ज हुआ। वहीं जालौर की बात करते हैं, AQI 255 दर्ज किया गया है। और इसी के साथ प्रदेश हमारा में